आपको क्या लगता है उदय क्यों भाग रहा है? जरूर उसने कोई चोरी की होगी और लोगों ने देख लिया होगा, इसलिए वो भाग रहा होगा। आपको क्या लगता है उदय क्यों भाग रहा है? गुंडे पीछे पड़े होंगे इसके। और भाई किधर जा रहा है? पंगा ले लिया होगा, पकड़ से। इसलिए भाग रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि हर प्रॉब्लम का अलग आकार है और मौसम विभाग का ये विचार है। साफ है आसमान, 30 डिग्री तापमान, हवा में नमी है, पर लाइफ में कुछ कमी है। अरे जरूरत है कुछ खास की, एक स्पेशल चमनप्राश की, अंधेरे में प्रकाश की। प्रकाश मेरा बेटा यही कहता है कि हर मोमेंट में एक पोटेंशियल रहता है। कभी तो आएगा, हाँ कभी तो आएगा। कौन? एक लम्हा। अरे कौन? एक लम्हा यार, जो सोया था पर सबने सोचा खोया था। खोया नहीं, वो यही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जब तक वो लम्हा है सोता, हर कोई बस यही है रोता। केस मोड़ पे कुछ नहीं होता। इस मोड़ पे कुछ नहीं होता में आज आपने देखा कि कैसे उदय रोज अपनी बस पकड़ने के लिए भागता है, पर हर रोज नाकाम रहता है। उदय का लम्हा कब आएगा ये हम आपको दिखाएंगे, पर वो लम्हा कैसे आएगा ये आप उदय को बताएंगे। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और इस यूनिक टीवी शो का हिस्सा बनिए। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कल उदय बस कैसे पकड़ सकता है, उदय का नंबर कब आएगा, क्या कुछ भी हो पाएगा, या फिर ये वही मोड़ है जहाँ हर कोई है रोता। इस मोड़ पे कुछ नहीं होता। ₹20 मिलेगा जनाब। अरे भाई ठीक ठीक बोलो, काफी इम्पोर्टेंट किताबें हैं। तो फिर बेच क्यों रहे जनाब? पर बुरा मत मानना साहिब। क्या है, हमारे पास कोई ताजमहल भी बेचने को आएगा तो हम ताजमहल की भी उम्र देखकर ही उसकी कीमत लगाएंगे। चलो ठीक है, 20 दे दो। वैसे भी नई पीढ़ी को पुराने लोग और नए मकान को पुरानी किताबें कहाँ रास आती है। 2 दिन में मकान बदलना है। अच्छा फिर मिलते हैं। जरूर जनाब। और हाँ, हुकुम कीजिएगा, बंदा सिर्फ रद्दी ही नहीं ताजमहल भी खरीदेगा, बस कोई बेचने वाला चाहिए। अरे मैंने कहा मुमताज बेगम। जी बोलिए। हाँ उन्हीं का घर है। नहीं वो तो घर पे नहीं है। आप प्लीज थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। केस मोड
पे कुछ नहीं होता। उदय की कहानी उन हजारों कहानियों में से एक है जब एक छोटी सी चाहत हमारे छोटे से जीवन में एक छोटी सी हलचल मचा देती है और इसी छोटी सी मुश्किल का एक छोटा सा उपाय छोटी सी मुस्कुराहट के साथ छोटी सी खुशी बन जाता है और ये सब होता है एक छोटे से पल में। आइए देखते हैं उदय की प्रॉब्लम के बारे में लोगों का क्या कहना है। कौन सा उदय? मैं उदय को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे मेरा छोटा भाई है जो सोचता है करके दिखाता है। देखिए उदय की प्रॉब्लम मानसिक है। अच्छा उदय? जो उदय जो भाग रहा है, अगर उस उदय जो सोच रहा है उससे कहता है कि तू नहीं कर पाएगा तो ये कैसे चलेगा? मेरे काबिल दोस्त ये कह के उदय का और खुद का मानसिक तनाव बढ़ा रहे हैं। वो राम प्रसाद का लड़का, उसे 5 मिनट जल्दी उठने की जरूरत है। भाई बात जल्दी उठने की नहीं है, उदय की हाइट है 5'8", वेट है 80 किलो, भाई कहाँ तक तेज दौड़ेगा? वेट किया? हाँ किया, पर उदय नहीं आया। हाँ नहीं आया। उसकी हाइट और वेट का प्रोपोर्शन ही गलत है, ही इज ओवरवेट। कौन सा उदय? साहब सुना आप शिफ्ट कर रहे हैं? मिस्टर मिसेस श्रीवास्तव शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे तो पहले से ही पता था, पर जो भी कहो मिसेस श्रीवास्तव पकौड़े। चलो बाय बाय करो अंकल को, बाय बाय करो। यू नो देयर वाज अ बीच अक्रॉस द रोड, माय डैड वुड हैव बॉट द फ्लैट, बट दिल्ली में कोई बीच ही नहीं है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। वो साहब अपना पिछले महीने का लिफ्ट का मेंटेनेंस बाकी है साहब। हाँ भैया मैं भूल गया था। अरे तुमने आज भी गैस बुक नहीं कराई। मेरे पास नंबर ही नहीं था। तो ये क्या है? अरे तुम आ गए, मैं नहाने जा रही अरे राधा देखो तो मुझे क्या मिला। क्या हुआ? अरे सुनो तो। अच्छा ठीक है मैं अभी आया। हाँ क्या कह रहे थे आप? हेलो। हाँ पता नहीं अभी तो यहीं थे, लगता है कहीं बाहर चले गए हैं। पता है मैं और उदय बिल्कुल एक जैसे हैं, उदय बस के पीछे भागता है और मैं तुम्हारे। देखो बेटा देखो अपने बिल्डिंग में टीवी वाले आए हैं। तुम्हें पता है हमारी बिल्डिंग में टीवी वाले आए हैं? वैसे तो मेरा चिंटू बड़ा शाय है पर टीवी पे बड़ा।
साहब क्या जा रहे हो? तेरे में टीवी वाले आए कुछ लोग हैं ऐसे कुछ हालात हैं वैसे टाइम बहुत कम है अब सीखें कैसे सीखने गए भी तो जिएंगे कब क्या सीखते सीखते ही मर जाएंगे सब एक्सक्यूज मी क्या उदय कल अपनी बस पकड़ पाएगा कौन उदय आप टीवी पर इस मोड़ पे कुछ नहीं होता नहीं देखते देखिए मैं जल्दी में हूँ मुझे जाने दीजिए कहानी किसी की भी हो टाइम तो सबका आता है जब सब कुछ अपने आप फिट हो जाता है उदय भी तो हम सबकी तरह ही दौड़ लगाता है सब कुछ करता है बस बस नहीं पकड़ पाता है जल्दी कीजिए उदय आपके फोन का इंतजार कर रहा है मियां वो आए हमारे घर कुड़ा की कुदरत है बेची थी पहले कुछ किताबें अब क्या जरूरत है मेरा एक इम्पोर्टेंट पेपर उन किताबों में रह गया लगता है कहाँ है वो किताबें वो किताबें आपने बेच दी पुरानी चीजों का शौक रखते हैं जनाब वो रही किताबें मगर पहले कहिए आदा शाहजा मियां दिल खुश कर दिया आपने हाय जालिम ने गले लगाया अरे देख रही हो मुमताज बेगम ये दुनिया के जलवे अर्ज किया है कि जालिम ने गले लगाया खोल के दिल का दरिया मोहब्बत एक कागज के टुकड़े को मिली साजा बना जरिया कागज का टुकड़ा नहीं मियां मिल गया इस वक्त क्या क्या हो रहा है इस वक्त पच्चीस साल पहले कविता लिखी थी शादी से पहले क्या बात करती है मियां हमें क्या मालूम कि आप भी हैं इरशाद इरशाद यहां आसपास कोई फोन है वाह मियां मैं पूछ रहा हूं यहां आसपास कोई फोन है हाँ हम सुन रहे हैं इरशाद इरशाद अरे हाँ डरते रहिए आ वाह वाह फोन है नोट फरमाइए शुक्रिया अरे सुन रही हो मुमताज बेगम अर्ज किया है यहाँ आस पास कोई फोन है यहाँ आस पास कोई फोन है अरे यार अगर उस सब्जी वाले को वहां से हटा देंगे तो उदय बस पकड़ लेगा अगर उस सब्जी वाले को वहां से लगी शर्त मुझे जल्दी सब अपनी सोचते हैं उदय की कोई नहीं सोचता हेलो इस वक्त क्या क्या हो रहा है इस वक्त तेरे ही बारे में सोच रहा हूं हवा से तेरी ही बातें कर रहा हूं चांद भी तारों को तेरे ही किस्से सुनाता होगा तभी तो टिमटिमा रहे हैं इस वक्त क्या क्या हो रहा है इस वक्त जो कमरे में एक छोटी सी खिड़की है उस पर नजर है मेरी खिड़की पर नजर और नजर में तलाश है तेरी दुनिया जहां की भीड़ सामने है बस तू ही नहीं है इस वक्त क्या क्या हो रहा है इस वक्त कानों में गूंज रही है तेरी ही हंसी तेरी ही आंखों के तारों से कमरे में रोशनी है क्या पता तूने ही पलके झपकाई हो या तू ही कहीं मुस्करा रही होगी इस वक्त क्या क्या हो रहा है इस वक्त
मुझे नहीं लगता उदय कल भी बस पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। बेसिकली बस पकड़ना उदय के बस की बात ही नहीं है। उदय बस पकड़ सकता है। छोटू एक चौक लाना। उदय का तो पता नहीं, पर आज शाम मैं अपना मनी ऑर्डर घर भेज दूंगा। छोटू चौक लाना। आया। उदय की बस 9:20 में निकलती है। उदय उसके लिए घर से 9:15 निकलता है ना, और रास्ते में वो 3 बार मुड़ता है। एक मोड़ पर वो सब्जी वाले के ऊपर से कूदता है और साहिल से टकराता है। मैं आज तक कभी शर्त नहीं जीता, एक बार शर्त जीतना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर एक, अगर वो सब्जी वाले के ऊपर से कूदने की बजाय उसके साइड से निकल जाता है तो उसका पूरा 5 सेकंड बचता है। कितना? 5 सेकंड। और वो उसके बाद बसरू के तबेले से निकलता है। तबेले में कीचड़ की वजह से उदय धीरे धीरे भागता है। पॉइंट नंबर दो, यहाँ पर उसका 7 सेकंड लगता है। अगर वो 1 सेकंड सोचकर कीचड़ के ऊपर से कूद कर जाए तो उसका 5 सेकंड बचता है। फाइनली पहुंचते हैं गोल चक्कर पर। पॉइंट नंबर तीन, उदय अगर राइट से चक्कर लेकर लेफ्ट से लेता है तो सामने से आने वाले ट्रैफिक से बच सकता है और बस का कंडक्टर उसे देख सकता है। मेडिकल 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 मेडिकल। मेरा तो एक बार मोटरसाइकिल चलाने का मन, वो भी बुलेट। उदय बस पकड़ सकता है। ठीक है, पहुंचा दूंगा। चलोगे? हर मोड़ पे कुछ कुछ होता है। अरे सुन रही हो मुमताज बेगम, कि हर मोड़ पे कुछ कुछ होता है। हंसती है कभी खुशी कभी गम, रोता है दिल तो पागल गए दिल वालों, दिल तो पागल गए दिल वालों, दुल्हनिया ले जाओ। क्या पता कल हो ना हो,